आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि आधार सेंटर हम कैसे ले सकते हैं, लेकिन UIDAI की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जिसके पास आधार सेंटर है, चाहे वो CSC के साथ हो या फिर अपने प्राइवेट में, अभी तो हाल ही में प्राइवेट में नहीं ले सकते, आपको गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन होना पड़ता है। तो जो भी आप कंडीशन में आधार सेंटर में काम करते हो, तो आप सभी के लिए UIDAI की तरफ से जो नया अपडेट आया है, आपको इसको मानना होगा। तो वो अपडेट क्या है आपको जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अगर आप ये अपडेट को फुलफिल नहीं करेंगे गवर्नमेंट का, तो आपके आने वाले दिनों में, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर ही आपका आधार सेंटर बंद हो सकता है और आपका जो मशीन है वो काम नहीं करेगा। चाहे आप CSC के साथ जुड़े हो, CSC के साथ आधार सेंटर यानी कि UCL सेंटर में काम कर रहे हो, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट संस्था में जाके काम करते हो, तब भी आपका आधार ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये वीडियो को आखिर तक देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि UIDAI की तरफ से कौन सा बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है गूगल पे, और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा TECHMEHER, इसके बाद एंटर। सबसे पहले लिंक आएगा टेक्निकल मेहर का, techmeher.com। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारा वेबसाइट आ जाएगा। आप यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं, काफ़ी सारे अदर्स भी आपको पोस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। तो आधार कार्ड सेंटर जो आप लिए हुए हैं या फिर UCL में काम करते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद, नीचे नीचे जब आ जाएंगे, तो आपके सामने यहाँ पर आधार ऑपरेटर अपडेट 2023 का एक पोस्ट मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक आर्टिकल आएगा। आप यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात यही है कि अगर आप एक आधार ऑपरेटर हो, आधार सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है, तो अभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट यानी कि UIDAI ने डिसाइड लिया है कि आपका जो आधार सर्टिफिकेट है उसका वैलिड ख़त्म हो चुका है। उसका डेट भी यहाँ पर मेंशन है। आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट भी मिलेगा, इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ये दरअसल है क्या, अगर आपने इससे पहले CSC ID लेकर CSC में ही UCL का काम करते हैं तब भी, या फिर कोई भी आधार सेंटर में काम करते हैं तब भी, ये दोनों कंडीशन में लागू होगा कि आपके आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू किया जाएगा। यानी कि आपको NSE ID का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फिर से NSE ID का एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो आपको आपने एग्ज़ाम दिया था, उससे पहले काफ़ी सारा जो अपडेट था हुआ नहीं था, काफ़ी पुराना प्रोसेस था, ओल्ड प्रोसेस था, आधार कार्ड बनवाने का, कलेक्शन करने का, सब कुछ। बट अभी सब कुछ लेटेस्ट हो चुका है, सब कुछ चेंज भी हो चुका है। काफ़ी सारे लोग पुराने वाले काम में कर रहे हैं तो उनको तो पता ही है, लेकिन अभी जो लोग नए से काम करेंगे, इसीलिए आपको अपना NSE ID सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू कराना चाहिए। इसीलिए UIDAI की अथॉरिटी ने ये चाहा है अपने CSC आधार ऑपरेटर का जो भी बंदे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको अपनी NSE ID का सर्टिफिकेट लेने के लिए NSE ID का एग्ज़ाम फिर से अटेंड करना होगा। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आप जिस मशीन में काम करते हैं वो मशीन डी रजिस्टर हो जाएगा, या फिर जो भी काम वहाँ पर करते हैं आपको वहाँ से काम नहीं मिलेगा, यानी कि काम ही नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट को आपको सबमिट कराना होगा UIDAI को। सो आपको इसके लिए डेट जान लेना चाहिए कि आपको बनाना है या फिर नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर कम्प्लीटली इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से, अगर आप CSC के साथ जुड़कर आधार UCL में काम करते हैं तो। नहीं तो अब भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलेगा ज़रूर। तो आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाएगा, आप इस रिपोर्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कौन सा पीरियड का है और आपको कितने दिन के अंदर अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होगा, यानी कि NSE ID का सर्टिफिकेट आपको हासिल करना होगा एग्ज़ाम देने के बाद, और फिर से आपको UIDAI को सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले है बिफोर 1 जनवरी 2011, यानी कि पहले पहले जो लोग 2011 से पहले आधार सर्टिफिकेट बनवाए थे उनको सबमिट करना होगा अपना सर्टिफिकेट को 1 मई 2023 के अंदर ही। इसके बाद जिन लोगों का सर्टिफिकेट इशू हुआ था जनवरी महीने की 2011 से लेकर दिसंबर महीने की 2013 के बीच में, उनको सबमिट करना होगा 1 अगस्त 2023। इसके बाद जिन लोगों का सर्टिफिकेट बना हुआ था 1 दिसंबर 2014 से लेकर लास्ट दिसंबर 2016 तक, उनको सबमिट करना होगा बिफोर 1 नवंबर 2023। इसके बाद जिन लोगों का सर्टिफिकेट जनवरी महीने के 2017 से लेकर लास्ट दिसंबर 2019 के बीच में इशू हुआ था, उनका सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू करके सबमिट कराना होगा बिफोर 1 फरवरी 2024 के अंदर। लेकिन जिनका आधार सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2023 के अंदर ही उनका इशू हुआ था, उनको सबमिट करना होगा 1 मई 2024 के अंदर। सो आपको ये रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा, आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा techmeher.com पे। नहीं तो आप अपने इस वीडियो के नीचे
टेलीग्राम का एप्लीकेशन है वहाँ पर भी मैंने पोस्ट कर दिया हूँ, वहाँ पर भी आप जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। टेक मेहरा हमारा चैनल का नाम है, वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप भी अभी तक अपना आधार सर्टिफिकेट के लिए NSCIT एग्ज़ाम नहीं अप्लाई किए थे तो जल्दी से अप्लाई करिए। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप NSCIT एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है या फिर पहले जो अप्लाई करते थे उसका प्रोसेस अलग है अभी का अलग है तो आप भूल गए हैं, तो मैंने उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी आधार सर्टिफिकेट को लेने के लिए एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं और उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं।